के द्वारा हंगामा किया जाना कि अवश्य लोग आए मुनासिब नहीं है। इस परिस्थिति में हुआ क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन हंगामा किसी भी तरह से हो हंगामा उचित। 52 देशों के प्रतिनिधि आए, उनके सामने बिहार का अगर इस तरह से कोई कार्यक्रम हो तो क्या मैसेज? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के प्रतिष्ठा का सवाल है, तो यहाँ आप उसमें लगते हैं अलग बात है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों में ऐसा बर्ताव करना। पेश कौन कर रहे थे? हमारे तो कोई वक्ता मंच में नहीं थे। बिहार की छवि तो सुशील कुमार मोदी ने खराब की, बिहार की छवि को तो उन्होंने कलंकित की। आज दुनिया के देशों में प्रधानमंत्री के साथ पीएनबी बैंक घोटाले का आदमी दावोस सम्मेलन में जाता है, तो क्या इसे देश की छवि बढ़िया हो रही है? ये बताइए हमको, क्या ये लोग देश की छवि बढ़िया करने वाले हैं? सृजन घोटाला में ये लोग सब, इनके सामने में सृजन घोटाला हुआ और ये वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा सारे वित्तीय निष्पादन हुआ होगा संचिकाओं का, तो फिर क्या इन्होंने देश का नाम किया बड़ा? सुशील मोदी खुद देश को और राज को कलंकित करने का हरकत उन्होंने किया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग उन्होंने किया। देखिए, पूरे नियोजित कार्यक्रम था उन लोगों का, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने पहले ही आने से इनकार कर दिया था। अब बाकी जो आरजेडी के लोग आए थे उनको बहाना चाहिए था और बहाना ढूंढ निकाला। आदरणीय सुशील मोदी जी ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, उन्होंने बस इतना ही कहा था कि भ्रष्टाचार का आरोप लगना राजनीतिक जीवन में गंभीर मामला है और जनता में छवि खराब होती है। आज दुर्भाग्य से चार चार पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर है, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं था। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का भड़कना, शोर शराबा करना, अमर्यादित आचरण करना, बिहार की प्रतिष्ठा को पहले भी इन लोगों ने खराब किया था, फिर एक बार बिहार की प्रतिष्ठा पे आँच पहुँचाया है।